ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर 8, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। हम लोगों ने अपने क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, बैलेंस स्कोर कार्ड। अब उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ बहुत सारा एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया। दिस चैप्टर हैज सेवरल एक्स्ट्रा या न्यू थ्योरी स्टफ्स विच आर इन लाइन विथ बैलेंस स्कोर कार्ड मॉडल। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, एक तो मेजर करो और फिर इवैल्यूएट करो कि अच्छा था कि बुरा था। पहले तो मेजर कैसे करें और दूसरा इवैल्यूएट कैसे करें। इवैल्यूएट में अपने डिसीजन लेंगे कि काम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, कैसे फिर इंप्रूव किया जा सकता, हो सकता वो भी बताया जाए। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये चार्ट। ये चार्ट बहुत अच्छे से बनाया हुआ इन्होंने, मतलब दिस इज बेसिकली थिंग्स टू लर्न। चैप्टर ओवरव्यू किसी किसी चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंगली बनाया गया, जिसमें फर्स्ट आपको जानना है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, दूसरा आपको जानना है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स, जिसका तीन हिस्सा है, 2A फाइनेंशियल्स, 2B फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, देन 2C इज सोशल एंड एनवायरमेंटल, देन थर्ड इज लिंकिंग दिस टू स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ इज बेंचमार्किंग एंड फिफ्थ इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। फिफ्थ इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। देख लीजिए सीरियल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है, ये चीज हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नाम से एक ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में पढ़ा है और दूसरा हमने बजट चैप्टर में पढ़ा है। एकदम अच्छे से आपको याद है, बजट चैप्टर में पढ़ा है। क्लास में कहाँ पढ़ा है वो मैंने बताया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आएंगे। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आर लाइक डेलीगेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इनटू सेवरल डिपार्टमेंट्स। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज बेसिकली डिपार्टमेंट विच इज हैविंग सम रोल्स विच इज सपोज टू डू इट्स ओन रोल। इफ इट डज इट, देन ऑल सच डिपार्टमेंट्स टूगेदर विल अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल। बिफोर यू डू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मीन्स यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर दे वेर एबल टू डू देयर जॉब्स प्रॉपरली और नॉट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड वॉट आर दोज? इन दैट नंबर वन वी आर सींग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एंड नंबर टू वी आर सींग डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये भी ट्रांसफर प्राइसिंग में बताया गया आपको, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज का दूसरा नाम है ये वाला, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड डिसेंट्रलाइज मतलब डिविजनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिविजनलाइज्ड। दिख रहा है यहां पे नाम, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सो सेंट्रलाइज इज दिस वन, ये रहा फंक्शनल का फिर डिस्क्रिप्शन है और उसका चार्ट, हायरार्की चार्ट ऐसा है कि सारा काम चीफ एग्जीक्यूटिव ही देखेगा एंड देन प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, सब इसके अंडर में ही काम करते हैं। ऑल वर्क अंडर हिम, ही इज द चीफ कंट्रोलर। सर आईसी माने, आईसी माने इन्वेस्टमेंट सेंटर। सीसी माने कॉस्ट सेंटर। आरसी माने, आरसी इज इंडिकेटिंग रेवेन्यू सेंटर।
बट ऑल रिपोर्ट डायरेक्टली टू चीफ एग्जीक्यूटिव, इज ए सेंट्रलाइज्ड. बोलते सबसे मेन रोल जो अगर कॉस्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से सोचे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने लिए रखता है प्रोडक्ट कितने होंगे, उसका मिक्स क्या होगा, उसका प्राइसिंग क्या होगा, कॉस्टिंग एंगल से सोचे तो उसका आउटपुट क्वांटिटी कितना होना चाहिए. ऑल डिसीजंस आर इन द हैंड्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव. प्रोडक्ट मिक्स, प्राइसिंग, आउटपुट, ऑल डिसीजंस आर इन द हैंड्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव. सेंट्रलाइज सिस्टम, इन सेंट्रलाइज सिस्टम ऑल सच डिसीजंस आर इन द हैंड्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव. ठीक, तो ये लोग क्या करें, ये लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. ओके, देन डिविजनलाइज्ड में हर प्रोडक्ट का अलग मैनेजर होगा. चीफ एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टमेंट सेंटर है, प्रोडक्ट एक्स. ये भी देखिए इन्वेस्टमेंट सेंटर लिखा है बट आइडियली इसको इन्वेस्टमेंट सेंटर नहीं बोलना चाहिए, प्रॉफिट सेंटर बोलना चाहिए. ये प्रॉफिट सेंटर्स है, ये गलत है एक्चुअली, गलत लिखा हुआ है. ये प्रॉफिट सेंटर्स है, ये प्रॉफिट सेंटर्स हैं, और इनके अंदर ही इसका कॉस्ट सेंटर होता है और इसका रेवेन्यू सेंटर भी होता है. हर एक का अपना अपना रेवेन्यू सेंटर होगा. रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आएगा तभी तो प्रॉफिट आएगा. ये सब आपको याद आ रहा है कभी पढ़ा हुआ क्लास में? इंटरेस्टिंगली ये सब आपके पुराने मैट में उतना डेप्थ में नहीं था बट अपने शुरू से पढ़ाते थे. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम को पहले समझना. ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग रिलेटेड एक पढ़ाई और आता है कि आपको जो बजट चैप्टर में सिखाया था हायरार्की बनाकर नीचे से ऊपर 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 कंट्रोलेबल कॉस्ट को अकाउंट फॉर करना, उनका बजट, उनका एक्चुअल, उनका वेरियंस निकालना, याद है? उसका सम्स अभी इस मैट में नहीं आया बट आएगा, सब आने वाला है. सम्स बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं आपके लिए. इस मैट में नहीं है बट आ सकते हैं. ये आप इस चैप्टर का एंड में चले जाइए, पेज नंबर बोलिए मुझे जाके. बाबा 42. ये रहा परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच वी हैव डन इन द बजट चैप्टर. अच्छा, मेरे नए मैट सारे बन गए, आने वाले बैच से मैं नया मैट बना दिया हूं. उसमें तीन वॉल्यूम में डिवाइड हो गया, वो वॉल्यूम 1, 2, 3. अब उसमें बहुत सारी थ्योरी यहां से लेके डाल दी गई है और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल भी. जैसे अब यहां पे मुझे लिंक करना पड़ रहा है ना बजट चैप्टर में किया और वहां किया, तो अब जो नया मैट आ रहा है उसमें बजट चैप्टर का क्वेश्चंस बजट से वो हटा के अब इधर ही डाल दिया गया क्योंकि इस चैप्टर में फिट होता है. इसमें देखिए वो एक लाइन मिलेगा आपको, कंपेयर करते हैं बजट एक्चुअल को, कंट्रोल्ड कर पा रहा है कि नहीं वो देख रहे हैं, हाउ वेल दीज चेंजेस आर कंट्रोल्ड. एंड वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम एंड मूव अपवर्ड विथ ईच मैनेजर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फॉर विच ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड समरी इन्फॉर्मेशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द अदर लोअर लेवल ऑफ मैनेजर अंडर देयर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल. याद है आपको ऐसा? हाँ, हायरार्की बना के बॉटम टू अप कैलकुलेशंस किए जाते थे. बॉटम से अप कैलकुलेशन किए जाते थे, ठीक है? हायरार्की बना के बॉटम से अप कैलकुलेशन किए जाते थे. तो ये हो गया आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड उससे जुड़े हुए परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो गए. अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट सीखते हैं.
नंबर पे जो सेकंड आ रहा है, देखिए डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स में एक आता है फाइनेंशियल एंगल। चार्ट में आ जाओ एकदम, चैप्टर का चार्ट में। फाइनेंशियल में पहला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर सम्स आपने किया है ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में, इसके ऊपर सम्स आपने किया है। ये देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग बोलते इसको थ्योरिटिकली कैसे पढ़ना है, देखो इसमें ये बोल रहा है कि डिविजनल मैनेजर उन सारे काम को करना पसंद करेगा जिसमें उसका प्रेजेंट आरओआई से ज्यादा रिटर्न आ रहा है। ठीक, अब एक डिवीजन का प्रेजेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 5% था और एक प्रोजेक्ट उसको मिल रहा है जिसमें रिटर्न 7% है, तो करेगा। ठीक, बट इसमें एक प्रॉब्लम आता है। ट्रांसफर प्राइसिंग में कॉन्सेप्ट सिखा देते गोल कॉन्ग्रुएंसी का, क्या क्या होता है वो, पूरा ग्रुप के लिए जो अच्छा हो वो आपको करना चाहिए, यानी कंपनी का जिसमें बेटरमेंट हो वो आपको करना चाहिए। अब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, तो बोलिए आरओआई के हिसाब से डिवीजन चलेगा अगर, तो 5 की जगह 7 दिखेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, बट फैक्ट इज वो 7 कंपनी के एंगल से तो डिट्रीमेंटल ही है, तो फायदा तो होने का नहीं है, तो प्रपोजल तो रिजेक्ट ही होना चाहिए। 7 को देख के अट्रैक्ट नहीं होना है, कंपनी का कॉस्ट को देखना है। तो आरओआई का लिमिटेशन यही है, आरओआई का लिमिटेशन यही है कि लिमिटेशन ऑफ आरओआई इज इफ डिविजन्स टेक डिसीजन्स, इफ डिविजन्स टेक डिसीजन्स बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट आरओआई, गोल कॉन्ग्रुएंसी वुड नॉट बी अचीव्ड, गोल कॉन्ग्रुएंसी वुड नॉट बी अचीव्ड। इफ डिविजन्स टेक डिसीजन्स बेस्ड ऑन देयर प्रेजेंट आरओआई, गोल कॉन्ग्रुएंसी वुड नॉट बी अचीव्ड। ठीक, सो हाउ टू अचीव देन, डिसीजन्स विच यील्ड, डिसीजन्स विच यील्ड आरओआई ग्रेटर देन केओ विल ओनली अचीव गोल कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये एकदम सिंपल लिमिटेशन समझ में आ गया आपको, जिसका आरओआई खाली प्रेजेंट से ज्यादा हो रहा है उसको वो काम नहीं करना है, केओ को ध्यान रखना है। ये आरओआई सिस्टम का ड्रॉबैक है कि यहां पे केओ के ऊपर इम्फेसिस नहीं है। इसका एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, डिवीजन अल्फा और बीटा, जिसका देखो प्रेजेंट आरओआई है 13 और रिटर्न ऑन द प्रपोज प्रोजेक्ट है 10। ठीक है, देख रहे क्या, तो ये तो रिजेक्ट कर देगा इसको, ये इसको कंपेयर करके रिजेक्ट कर देगा। और डिवीजन बीटा क्या करेगा, इसका प्रेजेंट 5 है और प्रपोज 7 है, तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखे तो डिवीजन बीटा को अपना प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना चाहिए, बट अल्फा को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसका पर्सनल मोटो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बट कंपनी के लिए तो बेटर है, कंपनी के लिए तो 8 का 10 आ रहा है, उसका पर्सनल मोटो 13 सेटिस्फाई नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है। ये यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आरओआई कैन देयरफॉर लीड टू लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। देन देयर इज रेसिडुअल इनकम, ये सीएमए एग्जाम में तो काफी पूछा जाता था, अब आपके मैं थ्योरी डाल दिया। आरआई का कैलकुलेशन होता है, रेसिडुअल इनकम मतलब आपका कितना प्रॉफिट
कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिकवर करने के बाद आ रहा है, मतलब इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, इट इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट ऑफ द डिविजन माइनस केओ इनटू कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिविजन। केओ इनटू कंट्रोलेबल इन्वेस्टमेंट मतलब एक एक डिविजन में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ हुआ है उसका केओ देखिए। ओके, जैसे इसी एग्जांपल में देखिए ना, इसका इन्वेस्टमेंट 20 लाख का है तो केओ कितना है? 8%। तो 20 लाख 8% कितना हुआ? 1,60,000। और कंट्रोलेबल फायदा कितना आ रहा है? 2 लाख। तो रेसिडुअल इनकम क्या है? रेसिडुअल मतलब सरप्लस, ठीक। तो 40,000 है, एनपीवी काइंड ऑफ हो गया, आप ऐसा सोच सकते हैं, बट एनपीवी नहीं है। एनपीवी मत बोलना, मिस्टेक हो जाएगा, एनपीवी लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सरप्लस बोल सकते हैं, रेसिडुअल माने सरप्लस। बी में देखिए, 20 लाख का 8% कितना आता है? 160। और यहां पे क्या है? 1.4। तो 20 का लॉस, 1.4 आ रहा है और 160 जा रहा है, तो 20,000 का देयर इज लॉस। अंडरस्टूड? तो ऑब्वियसली रेसिडुअल इनकम नेगेटिव होगा तो बीटा वो रिजेक्ट कर देगा, डिविजन बीटा रिजेक्ट कर देगा। तो ये गोल कॉन्ग्रुएंसी के साथ चल रहा है। दिस मेथड रिमूव्स लिमिटेशन ऑफ आरओआई मेथड, है ना? इसमें उसी केस का एग्जांपल दिया हुआ, देखिए जो हम आपको अभी करके बताए। 0.4 पॉजिटिव आ रहा है तो करना चाहिए, 0.2 नेगेटिव आ रहा है तो नहीं करना चाहिए। सो दीज एक्शंस आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल। हो गया, मतलब फाइनेंशियल्स देख रहे हैं इसमें, वी आर ओनली इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल्स। नेक्स्ट नंबर सी में आओ, कौन सा मेथड है? ईवीए। ईवीए आप लोग एसएफएम में पढ़ते हैं तो एसएफएम वाला ही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम लोग यहां पे। हाउ डू यू कैलकुलेट ईवीए? ईवीए इज नो पैट। कैसे आएगा नो पैट? कैसे आएगा? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी, दिस इज नो पैट। इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसमें से माइनस करते आप केओ इनटू कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, कैपेक्स बोल सकते, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते। तो ये केओ कवर्स इंटरेस्ट पार्ट एज वेल एज इक्विटी पार्ट। केओ विल कवर केई एंड केडी। केडी रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट। सो इफ यू कंसिडर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट वाला प्रॉफिट, तो फिर दो दो बार इंटरेस्ट इफेक्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट हम यहां पे एडजस्ट करना चाहते हैं और इसको बोलते हैं नो पैट। कैबज में जो भी आप पैट निकालते हो ना, कैबज का पैट को नो पैट बोला जाता है। कैबज का सम्स में, कैबज का जितना भी सम आपको हल्का भी याद आता है, तो कैबज का सम्स में आप लोग जो पैट निकालते थे उसका नाम एक्चुअली था नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें आप इंटरेस्ट माइनस नहीं करते थे। उसमें आता था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो पीबीटी लेस टैक्स पैट। इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, उसको नो पैट बोलते हैं। तो अगर ईवीए पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव है तो नहीं होना चाहिए। एंड अगेन इट इज रिवाइज्ड वर्जन ऑफ आरआई, रेसिडुअल इनकम से थोड़ा सा बेटर है। बोलो क्यों? रेसिडुअल इनकम से ये थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ऑफ टैक्स इफेक्ट। रेसिडुअल इनकम में टैक्स इफेक्ट पे एम्फेसिस नहीं था, ठीक है। यहां पे एक ऐसे बता रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का लिमिटेशन क्या है। ये जो पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, ये दो बुलेट दिया हुआ है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आप पैट दिखाते हो उसका लिमिटेशन क्या है? इट इग्नोर्स केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अकाउंटिंग पैट निकालते हो ना आप, अकाउंट्स में जो पैट निकालते हो उसका लिमिटेशन क्या है?
इट इग्नोर्स केई। पैट निकालते समय अकाउंट्स में आप टैक्स तो लेस करते हो, इंटरेस्ट भी लेस करते हो, टैक्स भी लेस करते हो, बट केई का इफेक्ट नहीं लेते हो। और दूसरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट कैन बी मैन्युपुलेटेड, करेक्ट? तो इसलिए ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता, इसलिए कॉन्सेप्ट आया ईवीए का। बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने एनुअल रिपोर्ट में ईवीए भी प्रेजेंट करने लगी टू जनरेट मोर फेथ अमंग शेयर होल्डर्स कि ईवीए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ईवीए का फॉर्मूला यहां पे दिया हुआ है, नो पैट माइनस WACC इनटू कैपिटल। अब ये लोग जो फॉर्मूला वॉर्मूला दे रहे हैं, ये सब बेकार का ज्ञान है, हमको तो समझ नहीं आता उतना। आपको बता दिया जो नो पैट निकालने का तरीका, वही चलाइए। इसका एक सम बनाया हुआ है 7,500। देखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 2,500, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया 2,250। नेक्स्ट इन्वेस्टेड कैपिटल है 12,500। WACC इज 8%, टैक्स रेट इज 30%। नाउ यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट नो पैट। नो पैट ईवी कैन बी कैलकुलेट एज नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। सो व्हाट इज योर नो पैट? 7,500, टैक्स रेट 30%। 7,500 माइनस 30% कितना हुआ? 5,250। ठीक है, और माइनस करना है कैपिटल इनटू केओ। अब देखो यहां पे एक थोड़ा सा परेशानी क्रिएट किया। कैपिटल मतलब एक्चुअली हम लोग दो तरह से कैलकुलेट करते थे, एक तो खुद से निकालते थे विच वाज योर कैपेक्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल या इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, बट यहां पे फिर इन्वेस्टेड कैपिटल बोल के अलग से जो दे दिया उसी को इफेक्ट में ले लिया। तो इसका यहां पे नॉट यूज्ड इन द सॉल्यूशन। बिकॉज इन्वेस्टेड कैपिटल दिया हुआ इसलिए नहीं लिया होगा। नॉर्मली क्या करते हैं ना हम लोग, ईवीए का सम्स जब करते हैं तो इसका भी इफेक्ट इन्वेस्टेड कैपिटल में ले लेते हैं कि नया कितना आपने कैपेक्स किया ड्यूरिंग द ईयर और नया कितना इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया, तो उसका इफेक्ट ले लिया जाता है ईवीए का सम्स में। आपका SFM में ईवीए आपने किया है इक्विटी एनालिसिस चैप्टर में। देन शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड और ईवीए में फर्क पता है? ईवीए 1 साल का है, SVA शेयर होल्डर वैल्यू लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये नो पैट बेस्ड है और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज बेस्ड है। आप बोल सकते हैं ईवीए अगर पॉजिटिव आ रहा है ना ओवर द इयर्स तो SVA पॉजिटिव आता है। SVA इज द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिव ईवीएस। अगेन इसके ऊपर भी पढ़ाई आपका SFM में होता है। ये देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, फ्यूचर कैश फ्लोज शुड बी डिस्काउंटेड एट सूटेबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि SVA यानी शेयर होल्डर्स वैल्यू कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल रीजंस आल्सो। यू रिमेंबर दिस? जैसे कि गुडविल, ब्रांड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फ्यूचर प्लान्स ऑफ द कंपनी, की मैनेजरियल पर्सोनल्स,
इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑन द कंपनी. तो एज अ कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं एसवी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द वैल्यू इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट. शेयर होल्डर्स कैन अटैच नॉन फाइनेंशियल वैल्यू ऑल्सो. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एसबीए. एंड हियर केम द नीड टू अंडरस्टैंड दैट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर इज नॉट इनफ. यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड नॉन फाइनेंशियल्स. सो देयरफॉर वी नीड टू मेजर अ कंपनीज नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज ऑल्सो. Therefore, we need to measure a company's non-financial performances also. ठीक है. आगे बढ़े. सो एक नया नाम आया ट्रिपल बॉटम लाइन. ये एकदम न्यू ब्रांड है, पहले नहीं था. ये न्यू कॉन्सेप्ट. ट्रिपल बॉटम लाइन हम लोग पहले अपने कॉस्टिंग में नहीं पढ़ते थे. परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए यहां पे बोल रहा है. इकोनॉमिक सिचुएशन देखिए, एनवायरमेंट सिचुएशन भी देखिए और सोशल सिचुएशन भी देखिए. ये देखिए सोशल एनवायरमेंट इकोनॉमिक, कि आपने अपने बिजनेस से एनवायरमेंट पे क्या असर पहुंचाया. एयर वाटर ग्राउंड एंड वेस्ट एमिशंस. सोशल मतलब सीएसआर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इन मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, एथिकल बिहेवियर. एंड इकोनॉमिक इज ऑब्वियसली द फाइनेंशियल पार्ट. That is improving the company's success. ठीक है. देखिए यहां पे एक जो पैरा बोल रहा है लिंकिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन परफॉर्मेंस, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस में यहां एक सिंपल सी बात बोल रहा है. जैसे एसवीए में हम लोग ये सीखते हैं जनरली कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इट शुड मैक्सिमाइज व्हाट. SFM में क्या सिखाते हैं हर सब में, हर चैप्टर में, शेयर होल्डर्स वेल्थ. एंड वेल्थ कम्स फ्रॉम टू एस्पेक्ट जो अभी अभी आप SVA में सीखा. एक फाइनेंशियल्स तो है ही, वो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, और दूसरा है नॉन फाइनेंशियल्स. नाउ फाइनेंशियल मेजर्स तो बहुत सारे हैं ही जो SFM भर के दिया है, बट नॉन फाइनेंशियल में क्या क्या हो सकते हैं उसके लिए अब ये पढ़ाई शुरू होने जा रही है. जिसमें पहला नाम बैलेंस स्कोर कार्ड आपको सिखाया गया था, विच मेजर्स प्राइमरली नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस. आपको याद है फोर पर्सपेक्टिव्स, लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉइज, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस एंड इनोवेशन, एंड देन द फाइनेंशियल्स. सो बीएससी में तीन नॉन फाइनेंशियल को हाईलाइट किया गया था, लर्निंग एंड ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल बिजनेस and innovation, and the fourth one is financials. Then what new stuffs are coming, you can read it here also. Another is performance pyramid. ये नया नया चीज है जो हम लोग पहले नहीं पढ़ते थे. Third is building block. Building block. और एक fourth is performance prism. सब एमबीए का पढ़ाई लेके आपको यहां पे तेज बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग. परफॉर्मेंस पिरामिड, बिल्डिंग ब्लॉक, परफॉर्मेंस प्रिज्म, यही तो लिखा हुआ है बगल में. ओ अच्छा.
देन यहाँ पे देखिए, फाइनेंस नॉन फाइनेंस को लिंक करने का बात आ रहा था, तो इससे ये समझ में आया कि फाइनेंस इज जस्ट नॉट इनफ, नॉन फाइनेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अचीव द ओवरऑल गोल ऑफ द कंपनी. अब यहाँ पे एक और बात रेज कर रहा है, देर इज टू टर्म, CSF एंड KPI. ओके, नाउ CSF का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. तो आई विल मेक यू राइट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, CSF एंड KPI. यहीं पे लिखे ऐसे, आपका इतना जगह नहीं है आपका. ओ, तीन ठूसना पड़ेगा फिर आपको, जहां लिखना लिखो. देखो, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और KPI क्या है. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, फैक्टर वर्ड मतलब इनपुट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर मतलब उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा. या चैप्टर वन क्या क्रिएट कर देगा, सस्टेनेबल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए किस फैक्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, दैट इज CSF. इसके ऊपर केस स्टडीज बहुत एक्सपेक्टेड है. सो CSF इज, इट इज बेसिकली सपोज टू डिफाइन, डिफाइन्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है डिफाइन्स दैट. ठीक है, विच इज अल्टीमेटली लिंक्ड टू कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी. नाउ वॉट इज KPI देन? KPI इज अ परफॉर्मेंस मेजर ऑफ अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. आप जिसको क्रिटिकल मान रहे हो उसके पीछे आप काम करोगे, बट पता कैसे चलेगा कि आपने अचीव किया कि नहीं किया. सर जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए ना सर, जैसे IT डिपार्टमेंट में, ये IT कंपनीज में एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है टैट. सब MBA दुनिया का भाषा है टैट, एब्रीवेशन में बात करते हैं. ट्रिपल बॉटम लाइन नहीं बोलेंगे, TBL देखा, TBL देखा, CSF बोलेंगे, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं बोलेंगे, KPI बोलेंगे. ठीक है, तो टैट, व्हाट इज टैट? टैट इज टर्न अराउंड टाइम. हम नाउ व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? टर्न अराउंड टाइम इज डिलीवरी टाइम, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं पाती भाषा, डिलीवरी टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस फैक्टर होता है उनका डिलीवरी टाइम, यानी टैट, टर्न अराउंड टाइम. नाउ इफ यू से वी आर वर्किंग ऑन टर्न अराउंड टाइम टू अचीव अवर कॉरपोरेट गोल्स, बट यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय जस्ट नेमिंग इट. नाउ वेदर यू हैव बीन एबल टू अचीव इट और नॉट, हाउ विल यू मेजर इट? तो मेजर करने के लिए हम लोग बोलते हैं उसको क्वांटिफायबल बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ. ऐसे नहीं कि वी आर वर्किंग अपॉन इट, इट साउंड्स क्वाइट फिक्शनल. तो इफ यू मेक इट रियलिस्टिक यू हैव टू क्वांटिफाई इट. क्वांटिफाई कैसे करेंगे? हम लोग बोलेंगे कि वी आर वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग आवर एवरेज डिलीवरी टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम टू से 10 आवर्स फॉर अ प्रोजेक्ट. दैट इज टैक्ट, समझ में आया? दैट इज KPI. ये 10 आवर्स जो बताया मैंने, वो 10 आवर्स जो एवरेज आप अपने लिए सेट कर रहे हो, दैट इज योर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो आप 10 से नीचे ला पाए तो आप अचीव कर पाए, या 10 भी ला पाए तो अचीव कर पाए, 10 से ऊपर रह गए तो अचीव नहीं कर पाए. जैसे किसी कंपनी के लिए मान लो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो सकता है वही एनवायरमेंटल एमिशंस, करेक्ट? तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है उनका कि वो इसको ठीक कर लिया तो उसका कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले आएगा. देन उसका KPI क्या होगा? आपको इतना सारा उसका परफॉर्मेंस इंडिकेटर सिखाया मैंने, वी आर हैविंग एवरेज कार्बन फुटप्रिंट ऑफ से
30,000 tons अ ईयर, कंपनी का 30,000 tons है, एंड उसने एक टारगेट लिया कि वी विल ब्रिंग इट डाउन टू 20,000 इन दिस कमिंग ईयर. सो दैट 20,000 न्यूमेरिकल फिगर दैट यू आर टेकिंग फॉर यू इज योर केपीआई. केपीआई इज सपोज टू हैव अ क्वांटिफायबल टारगेट फॉर अ सीएसएफ, परफॉर्मेंस मेजर ऑफ अ सीएसएफ. ठीक है. नंबर टू, सीएसएफ रिप्रेजेंट्स वॉट, इट रिप्रेजेंट्स वॉट, वॉट यू वॉन्ट टू डू, ये वॉट को इंडिकेट कर रहा है. एंड केपीआई फोकसेस ऑन हाउ. वेरी गुड. हाउ रिप्रेजेंट्स हाउ, हाउ यू वॉन्ट टू डू. देन सी एस एफ कैसे जानोगे? सी एस एफ का बेसिस होता है, इसमें चार नाम है, कॉमा कॉमा देखे. एक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर से जान सकते हो आप, दूसरा कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी से जान सकते हो कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, तीसरा एनवायरमेंट से जान सकते हो, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, और तीसरा टेम्पररी इन्फ्लुएंसेस कुछ राइट नाउ अगर आप कर पाते हैं. जैसे पेटीएम ने टेम्पररी इन्फ्लुएंस ऑफ डीमोनिटाइजेशन का बहुत फायदा उठाया, एचडीएफसी बैंक ने भी बहुत फायदा उठाया, सबके लिए फोकट में पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन लगा दिया, सब्जी वाला लोग तक को दे आया लोग पीओएस, और सबको बोला कोई चार्ज नहीं लगेगा 3 महीने तक, मार्च तक कोई चार्ज नहीं लगेगा, नवंबर से मार्च तक जितना रुपया उसमें आया सब बैंक में आएगा, और फिर धीरे धीरे चार्ज इम्पोज करना शुरू कर दिया. तो दैट वॉज टेम्पररी इन्फ्लुएंस विच बिकेम, विच जेनरेटेड अ सक्सेस फैक्टर, कि उस समय में आप कुछ करके दिखा दोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे. जैसे आपके लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज सीए फाइनल पास करना, एग्जाम पास, तो ये आपका करियर का एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है. अगर आप ये करके दिखा दोगे तो आपका बहुत सारा चीज का कंप्लीट होना शुरू होगा. और उसका केपीआई क्या है? इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40, ओवरऑल 50. और परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो इंस्टीट्यूट ने यही बना रखा, उतना भी आ जाए तो बहुत है. तो इसमें बेसिस क्या है? इसमें केपीआई का बेसिस है स्मार्ट, है स्मार्ट, इसका बेसिस है स्मार्ट. सर व्हाट इज स्मार्ट? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल या अटेनेबल है, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड. ठीक है, ये सब इंटर का थोड़ा सा पढ़ा हुआ कितना फायदा दे रहा है. अब यही सारा डिस्क्रिप्शन यहां पे दिया हुआ है, मैंने उसको समराइज करके यहां पे बता दिया, कि पूरा पैराग्राफ इतना बड़ा को समराइज किया हुआ है यहां पे. ओके, बीएससी मुझे कुछ नहीं पढ़ाना है, बैलेंस स्कोर कार्ड आप एसजेसी नोट्स को रेफर करें, एसजेसी क्लास नोट्स को रेफर करें, तो इसमें आपको अलग से कुछ नहीं करना. इसके केस स्टडीज, इसके डिस्क्रिप्शन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लोगे तो भी बहुत क्लैरिटी आ जाएगा. अच्छा, एक पॉइंट आता है बैलेंस स्कोर कार्ड का, स्ट्रेटेजी मैपिंग, वेयर वी आर सेइंग दैट यू शुड हैव अ मैप, वेयर स्ट्रेटेजी मैपिंग इज कनेक्टेड विद बैलेंस स्कोर कार्ड ओनली, वेयर वी आर सेइंग दैट ईच पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड शुड हैव दोज ऑब्जेक्टिव्स दैट विल हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल. फिर से बोल रहा हूं, इट इज सेइंग दैट व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव्स यू विल क्रिएट इन ईच पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड शुड बी ओनली सच दैट इज फोकस्ड ऑन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल. So say Jio has an organizational strategy of becoming a one-stop solution for all data needs of the country, then in line with that only it will have different objectives in each perspective. ठीक है,
सो एग्जाम्पल इसका एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि कंप्लीटेड जेनेरिक स्ट्रेटजी मैप मैक्सिमाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू. कैन यू सी? इसमें फाइनेंशियल, देखिए स्ट्रेटजीज में फाइनेंशियल, कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, देन इंटरनल पर्सपेक्टिव, देन लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव. तो उनको क्या क्या करना है सो दैट ऑल आर इंटरकनेक्टिवली लीडिंग टू फाइनेंशियल गोल्स. ठीक है? और इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसको वर्क कैसे करते हैं. यू वर्क यूजुअली ऑन फ्रॉम दिस डायरेक्शन, मतलब दिस इज द एफर्ट एरिया. यहां पे एफर्ट डालो. और कस्टमर और फाइनेंस में यूजुअली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, या कस्टमर्स पे भी हम लोग अगर पूरा एसएफए पूरा बैलेंस स्कोर कार्ड का लॉजिक बोले तो वो बोलता है तीनों पे एफर्ट डालो. फाइनेंस इज योर अल्टीमेटली रिजल्ट. फाइनेंस आपको लाना नहीं पड़ता, फाइनेंस ऑटोमेटिक आता है. ये सीजीएमए से उठाया है. सीजीएमए इज बेसिकली चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट. सीमा का एक ग्लोबल वर्जन है सीजीएमए, उसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है. सीमा का ही एक अलग, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक अलग डिग्री है, एक पढ़ाई है, एक डिग्री है उसका, सीजीएमए, चार्टर्ड ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ये जो सम है यहाँ पर, ये हमने ऑलरेडी क्लास नोट्स में भी रखे हुए हैं, एसजेसी मैट में भी है, बट इसको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको इसको पढ़ना है. ये देखिए यहाँ पे बोल रहा क्या है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है, ऐसे ग्लांस दो आप समझ में आ जाएगा. एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड. तो बैलेंस स्कोर कार्ड में जाने के लिए आपको चार पर्सपेक्टिव मालूम होना चाहिए. फाइनेंस, लर्निंग एंड ग्रोथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिजनेस प्रोसेस. तो आप क्लासिफाई करो तो ऑपरेटिंग रेशियो कहाँ जाएगा? व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? रेशियो एनालिसिस में पढ़े हैं क्या? ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स हो सकता है, या ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय सेल्स भी हो सकता है. ये देखिए, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला बात होता ना तो उसको बढ़ाने का सोचते. करेंट ईयर में 60 है, टारगेट लिया रिड्यूस इट टू 50, मतलब ये मार्जिन नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात हो रही है. तो ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, दिस इज फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. ठीक है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फाइनेंशियल. अनरिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स कस्टमर पर्सपेक्टिव. कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर्स बिजनेस प्रोसेस. एंड एम्प्लॉय कवरेज अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम लर्निंग एंड ग्रोथ. अब इसको कमेंट करना पड़ेगा, जैसे एक एक को समझो, बहुत इजी है. कंपनी का बेस ईयर यानी पिछले साल था 54. ठीक? और उसने बेस ईयर में टारगेट सेट किया कि हम लोग इस साल 50% पे लाएंगे. ऐसे कंपेयर कैसे करना है मैं सिखा दे रहा हूं. 54 को इससे कंपेयर किया. 54 था, फिर कंपनी ने सोचा कि इस साल हम लोग उसको 50 बना देंगे. बट फिर हुआ कितना? देन टारगेट और करंट को कंपेयर करो. ये फ्लो है सोचने का. दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू. तो भाई आपने अपना फाइनेंशियल्स अचीव किया क्या? नहीं किया. ठीक? तो इसका कारण ये नहीं होता कि आपने गलत किया. हो सकता आपने क्वालिटी पे काम किया होगा इसलिए आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया. खर्चा बढ़ना मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट, ऐसा नहीं. देयर मे बी रीजंस बिहाइंड इंक्रीज इन कॉस्ट. इट मे बी दैट यू आर प्रोवाइडिंग मोर क्वालिटी. देन रेवेन्यू बेस ईयर में क्या था आप देखो, 210 दिख रहा है. फिर कितना सोचा था? 250. बट कर पाए कितना?
225, तो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ बट बेस ईयर से इम्प्रूवमेंट तो आया। सो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि शायद क्वालिटी अचीव नहीं हुआ है, कस्टमर उतना सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट, कस्टमर कंप्लेंट 25,000 था, उसको रिड्यूस करना था 20% से, जबकि वो इंक्रीज हो गया 27,500। समझ में आ रहा कनेक्टेड कैसे है? रेवेन्यू क्यों नहीं बढ़ा? कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कम है, कस्टमर कंप्लेंट ज्यादा आ रहे हैं। देन रिलेशनशिप सेंटर बेस ईयर में 200 थे, सोचे इसको बढ़ा देंगे 250 कर देंगे, बट फिर 280 कर दिया। तो अच्छा ही किया आपने, अपना टारगेट से ज्यादा किया, बट फिर भी कस्टमर कंप्लेंट क्यों है? शायद इम्प्लॉय मोटिवेशन मोराल या ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया गया होगा। 8% था जिसको 15 ले जाना था बट 10 लेके आए। मतलब सबको लिंक करते हुए कमेंट करना पड़ता है। अब नेचुरल का सेंस तो मैंने जगा दिया, यू हैव टू रीड वंस ऑल द डिस्क्रिप्शन हियर सो दैट यू आर एबल टू राइट योर सेल्फ। इट इज योर नाउ ऑफिशियल ड्यूटी टू रीड इट वंस। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस स्टडी यहां पे दिया हुआ है क्वांटस एयरवेज का। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आइए नेक्स्ट, परफॉर्मेंस पिरामिड। परफॉर्मेंस पिरामिड, आइए परफॉर्मेंस पिरामिड को समझिए, बहुत इजी है। पिरामिड का शेप तो दिख ही रहा है। परफॉर्मेंस पिरामिड का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा एक बार, तो इजी लगेगा। ये पिरामिड को रीड करना सीखना है। ये बोलते हैं जैसे बिल्डिंग बनाते वैसे वैसे आप अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस का भी पिरामिड बना सकते हैं। जैसे बिल्डिंग में फाउंडेशन होता है वैसे परफॉर्मेंस पिरामिड का भी फाउंडेशन है। दिख रहा है क्या फाउंडेशन? एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस चाहिए और इंटरनल एफिशिएंसी चाहिए। मतलब दिस इज द बेसिक फिलोसॉफी दैट यू शुड हैव वाइल रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एटलीस्ट दिस टू थिंग, एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस एंड इंटरनल एफिशिएंसी। मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल एफिशिएंसी आनी चाहिए। अब वो कैसे आएगी उसके बारे में लोग बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स में तीन रखे गए हैं। इस तरफ ऑब्जेक्टिव है लेफ्ट साइड में। पहला क्वालिटी, दूसरा डिलीवरी, तीसरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी, पांचवा मार्केट। ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव्स आर फाइव, देर आर फाइव ऑब्जेक्टिव्स हियर, कैन यू सी? एंड देन देर आर मेजर्स वेदर यू हैव बीन एबल टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव और नॉट। एंड मेजर्स आर यू सी हियर, इट इज 1, 2, 3, फ्लेक्सिबिलिटी हियर ऑल्सो इज देयर एंड फाइव, इट इज लाइक दिस। इस तरफ ऑब्जेक्टिव आ रहे और इस तरफ उस ऑब्जेक्टिव को आप अकम्प्लिश कर पा रहे हो कि नहीं उसका मेजर्स आ रहा है। ऑब्जेक्टिव आ रहा है और मेजर्स आ रहे हैं। अभी इसको और समझना पड़ेगा, सब कनेक्टेड एक दूसरे से, कि क्वालिटी और डिलीवरी पे काम करोगे नीचे से ऊपर तो अपने आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन आएगा। समझ में आ रहा है? फ्लो को पकड़िएगा। क्वालिटी डिलीवरी पे जब आप काम करोगे तो दिस ब्रिंग्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आप कस्टमर रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटीज रखोगे। फ्लेक्सिबिलिटीज एज इन एक्स्ट्रा डिमांड में एक्स्ट्रा वॉल्यूम आप जनरेट कर पा रहे हो, डिलीवरी जैसा कस्टमर चाहता है वो दे पा रहे हो। आप फ्लेक्सिबिलिटी लाइए तो ओवरऑल मार्केट ग्रो करेगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, और मार्केट शेयर बढ़ाना ही एक कंपनी का मेन विजन होता है। कॉरपोरेट विजन एक कंपनी का दो होता है, एक मार्केट में मैं ना शेयर बढ़ा लूं
और दूसरा मेरा फाइनेंस आ जाए, ठीक है। इस तरफ जितने भी है ये देखिए, इसको बोला गया नॉन फाइनेंशियल से, ये था क्वालिटी डिलीवरी वाला सेगमेंट, और इधर अब प्योरली फाइनेंशियल, इंटरनल एफिशिएंसीज आर ऑल फाइनेंशियल्स, जिसमें बोल रहा है अगर आप साइकिल टाइम मतलब क्या होता है पता है क्या, प्रोडक्शन साइकिल, इनपुट से आउटपुट का कन्वर्जन का टाइम, और वेस्ट पे काम करते हो, तो ये देखो दोनों सामने सामने इसलिए रखा गया है कि साइकिल टाइम ऑप्टिमाइज करोगे तो डिलीवरी पे इंपैक्ट आएगा, वेस्ट ऑप्टिमाइज करोगे तो क्वालिटी पे इंपैक्ट आएगा, कितना लॉजिकली सामने रखा गया है। तो साइकिल टाइम और वेस्ट पे काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाते हो, फ्लेक्सिबिलिटी एज इन कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वेरिएशंस वगैरह फ्लेक्सिबल लाते हो, तो आपका फाइनेंशियल्स ग्रो करता है, और मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों ग्रो किया तो कंपनी ग्रो करता है। बहुत बुद्धिमानी से इसको प्लेस किया गया है, मतलब एफर्ट सारा कहां जाता है आप सोचो तो, दिस इज द एरिया ऑफ एफर्ट, एफर्ट यहां पे डालते हैं, बाकी सब रिजल्ट्स है। आपको करना चार चीजें, क्वालिटी डिलीवरी, साइकिल टाइम, वेस्ट, प्रोडक्टिविटी इज रिजल्ट, दिस इज रिजल्ट एंड दिस इज ऑल्सो रिजल्ट, और ये एरो से आपको पूरा फ्लो समझ में आ रहा है किसके कारण क्या आ रहा है। एक बार ठीक से नजर दौड़ाइए, पिरामिड पढ़ना आना चाहिए, इसके नाम भी सारे याद होने चाहिए, पिरामिड पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम भले ही याद नहीं रहा वो दो बार रटेंगे हो जाएगा, बट पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फंस जाएंगे। ये सब का आपको ड्राइंग बना के हाथ से चिपका देना होगा तो ध्यान रहेगा, 10 बार देखेंगे तो याद आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। जो टिपिकल लगे ये सब ग्राफिकल चीज है, अगर ड्राइंग व्राइंग मिल जाए तो ड्राइंग बना के चार्ट पेपर में रख दीजिए, इवन आपका समरी नोट्स में आपको एक ड्राइंग ही बना देना चाहिए। क्लियर है? इसके ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन यहां पे है जो मैंने आपको समझा दिया, अब एक केस स्टडी है वो मैं कराता हूं तो और फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन देखिए, ये केस स्टडी आप समझ लीजिए। अच्छा, केस स्टडी में एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता था, आज एक केस स्टडी का पोर्शन आपने देखा कि क्वेश्चन विल आस्क इश्यूज एंड चैलेंजेस एंड देन प्रायोरिटाइज इट, देन व्हाई यू थिंक दैट शुड बी फर्स्ट, व्हाई यू थिंक दैट शुड बी सेकंड, देन सजेस्ट द सॉल्यूशन, सजेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट वन एंड व्हाई दैट शुड बी द बेस्ट, ऐसा इतना डिटेल होता है उसमें, और उसमें एथिकल इश्यूज को भी पुट अप करना पड़ता है। अब एक और आता है, वो आता है ईमेल राइटिंग। हाँ, एंड ट्रस्ट मी वी ऑल आर वेरी वीक, मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो मेरे वेबसाइट पे है, 22 इफेक्टिव वेज ऑफ राइटिंग ईमेल, बहुत दिनों से लिखा हुआ है, आपको दिखा देते फिर आप खोजते रहेंगे, नहीं तो देखेंगे नहीं तो मुश्किल होगा। इनफैक्ट यू शुड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट राइट अवे, व्हेन आई रिसीव ईमेल फ्रॉम यू आई गेट सो अपसेट, रियली आई गेट सो अपसेट कि इतने फाइनल स्टूडेंट्स को ईमेल लिखना नहीं आ रहा है। अरे क्वालिफाइड लोगों को नहीं आ रहा है तो आप फाइनल स्टूडेंट्स का कोई दोष नहीं, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मल एजुकेशन कभी हुआ ही नहीं। इफ यू विश टू गेट अ रिप्लाई ऑन योर ईमेल, यू सेंड ईमेल्स फॉर एक्सपेक्टिंग रिप्लाई, बट यू हैव टू राइट ईमेल इन अ मैनर दैट विल, यहाँ पे जाने पहचाने लोग हैं, यू हैव टू राइट द ईमेल इन सच अ मैनर दैट इट एक्चुअली फेचेज अ रिप्लाई। कहाँ गया ब्लॉग? ब्लॉग में ये रहा, 22 क्रिटिकल स्किल्स टू राइट एन इफेक्टिव ईमेल, कब लिखा था, 1 साल पहले। आप लोग इतना दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कभी खोल के देखा ही नहीं है सब।
मैं भी पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं बस दिखा दे रहा हूं कि आप इसको पढ़ सकते, डाउनलोड भी करके रख सकते, दूसरों के साथ शेयर कर सकते। जो पढ़ा उसके बाद तो मेरे पास जो मेल आया मैं समझ जाता था कि मेरा मेल पढ़ा है, ये मेरा ब्लॉग पढ़ा है। कई स्टूडेंट्स का मेल प्रॉपरली आता है, तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो मैंने बताए आई एम श्योर कि वो आपको पता ही नहीं था, और अगर आप उसको अप्लाई करते हो ना तो इट एक्चुअली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन द आईज ऑफ रीडर। जैसे ईमेल आप भेजते हो तो मैं रीडर हूं तो आपके लिए बहुत अच्छा रेस्पेक्ट आता है इफ यू फॉलो दोज सिंपल थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था, इट इज आवर सिंसियर एफर्ट टू हेल्प रीडर्स राइट एन ईमेल इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक वे, द ऑथर डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डैमेजेस कॉज फॉर नॉट बीइंग एबल टू राइट और बीइंग एबल टू राइट अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन और एनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस। कोई बवाल लगा दे क्या मालूम, हाँ आइए ये पढ़ेंगे बस, फिर आज का छुट्टी करेंगे, अगला दिन होगा। यू आर अ पेड असिस्टेंट वर्किंग इन एसजेसी एलएलपी, नहीं एसजेसी नहीं है एसबीसीए, एन अकाउंट्स कंसल्टेंसी फर्म। यू हैव रिसीव्ड द फॉलोइंग ईमेल फ्रॉम वन ऑफ एसबीसीज सीनियर पार्टनर। आप असिस्टेंट हो तो आपका सीनियर पार्टनर आपको एक मेल भेजा है टू डीजी, डीजी आपका नाम है, फ्रॉम एसबी, एसबी सीनियर पार्टनर है, सब्जेक्ट पीएल मीटिंग दिस आफ्टरनून। आपके लिए मेल आया है पीएल मीटिंग, पीएल कोई कंपनी का नाम है। एज यू आर प्रोबेबली अवेयर वी आर मीटिंग विद द मैनेजर्स ऑफ पीएल दिस लेटर दिस आफ्टरनून टू डिस्कस सेवरल की इशूज एंड आई नीड यू टू डू सम रिसर्च फॉर मी। यू सी द आर्ट ऑफ चूजिंग द वर्ड्स, एंड आई नीड यू टू डू सम रिसर्च फॉर मी, इतना कायदा कोई फॉलो करता है? डू दिस रिसर्च फॉर मी, तो पढ़ने वाला किस माइंडसेट में आपको पता नहीं है। तो ये मेल में रेस्पेक्ट जनरेट करवाना पड़ता है अपने लिए। आई नीड अगेन आई वॉन्ट नहीं, मेक नहीं, देखिए स्टाइल। और अभी और भी जैसे मान लीजिए तो असिस्टेंट है इसलिए ऐसे जा रहा है, और यही अगर मान लीजिए इक्वल रैंक पे जा रहा होता तो क्या होता पता है? आई वुड रिक्वेस्ट, नहीं बोलेंगे रिक्वेस्ट, होने से फिर हो गया कि आप झुक रहे हो। टोन होता है मेल का, मे आई नीड, मे आई रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करने भी अलाउ करो, मे आई नीड अ रिपोर्ट, मे लगाना पड़ता है आपको, क्या मुझे आप हक देंगे ऐसा। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, रिक्वेस्ट भी प्लीज करके करना पड़ता है। दैट कवर्स द फॉलोइंग, एनालिसिस ऑफ द न्यू प्रपोजल फॉर द पीरियड 15 to 17 बेस्ड ऑन, ये देखिए कैसे पकड़ में आएगा कि किस पे क्वेश्चन है, ये एक्सटर्नल एफिशिएंसी एंड इंटरनल एफिशिएंसी के ऊपर बात हो रही है, तो देयरफॉर ये परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर रेज किया जा रहा है बात। टू हेल्प यू विद दिस आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ आवर फोरकास्ट ऑफ, ये फोरकास्ट ऑफ पीएल्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा फॉर द पीरियड 15-17। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे देखा फाइनेंस के साथ नॉन फाइनेंस आ रहा है, मतलब ये सब मॉडल में से कोई बात करनी है। प्लीज रीड इट केयरफुली एंड ईमेल मी बैक एज सून एज पॉसिबल। अब आप देखिए ईमेल में जनरली हम लोग जो चैट में एब्रीविएशन यूज करते हैं, ईमेल में वी शुड नॉट इफ इट इज अ फॉर्मल ईमेल। इवन राइटिंग डोंट लाइक दिस इज इनफॉर्मल, जैसे राइटिंग आई हैव इज इनफॉर्मल बट दे हैव यूज्ड इट, ओके दिस इज इनफॉर्मल, इट शुड नॉट बी, बट सिंस इट इज इंटरनल इन द ऑर्गेनाइजेशन इट्स अलाउड।
Had it been a mail to the client, it's not allowed. So when you're writing an email to the client, it's not allowed. I have. It is like a disrespect to the client. So please read it carefully and email me as soon as possible so I have time to prepare before the meeting. Thanks, your SB. So this is email and he has sent you the following attachment in the email. And I see, aapko bola jayega, write an email back to your director. To answer ka style email style mein jayega. Theek? Background to PL, Precision Engineering Limited is specializing in engineering design and manufacture in the automotive motorsport industry. PL's design team has many years' experience in the design and development of engine components for the market and high-performance engines. PL has identified a number of key competitors and intends to emphasize on close cooperation with its customers in providing products to meet their specific engineering design and quality requirements. Efforts will be made to improve the effectiveness of all aspects of the cycle. Cycle matlab? Production cycle. Production cycle. From product design to after sales service to customers. This will require data from number of departments in the achievement of specific goals of the new proposal. Efforts will be made to improve productivity. Productivity bhi badhaya jayega in conjunction with increased flexibility of methods. If you see, they have somehow touched all parameters of your pyramid. Cycle wala point tha, hai na? Aur fir cycle ke saath ek aur tha. Waste reduction ko lekar yahan par kuch as such raise nahi kiya hai. But cycle wala point se productivity aata hai. Yaad hai? Aur is taraf kya tha? इस तरफ क्या था? क्वालिटी और डिलीवरी. तो क्वालिटी और डिलीवरी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन आता है. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं लोग. ओके, सो नाउ 15-16-17 का फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दिया हुआ है. इसका फोरकास्ट है, फोरकास्ट वर्ड लिखा हुआ है अभी यहाँ पे ऊपर मेल में लिखा हुआ था. टोटल मार्केट साइज इज रुपीज इन लैक्स इज गिवन. जो बढ़ रहा है, मार्केट इज ग्रोइंग. PL सेल्स भी बढ़ने का बात है 18-21-23. ओके, और फिर PL टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है. आप देखिए, घट रहे हैं सेल्स, जैसे बढ़ रहा है कॉस्ट घट रहे हैं. तो प्रोडक्शन अचीविंग डिजाइन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अचीव कर पा रहे हैं आप इतना परसेंट में, मतलब क्वालिटी अच्छा होने का बात है. रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स घटने का बात है. कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस रिड्यूस होने का बात है. सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी डेट्स बढ़ने का बात है. सब फेवरेबल्स दिखा रहे हैं, सारे फेवरेबल है. फोरकास्ट में कोई अनफेवरेबल डालता है क्या? एवरेज साइकिल टाइम कस्टमर इंक्वायरी टू डिलीवरी घट रहा है. कॉम्पोनेंट स्क्रैप्ड इन प्रोडक्शन भी घटने का बात है. आइडल कैपेसिटी भी घटने का बात है. नो, करना क्या है? ड्राफ्ट द ईमेल एज रिक्वेस्टेड बाय द पार्टनर. बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. केस स्टडी इज लाइक दिस ओनली. ईमेल लिखना है वापस. क्या पूछा था वो ईमेल में? आई नीड योर हेल्प. क्या चीज के लिए? आई नीड अ रिपोर्ट दैट कवर्स एनालिसिस ऑफ द प्रोपोजल इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल एफिशिएंसी. तो पहले आप ऐसे सोच सकते हैं कि यहां पे इंटरनल एफिशिएंसी रिलेटेड क्या क्या था मुझे बताओ. इंटरनल एफिशिएंसी आप पिरामिड को देख सकते हैं. इंटरनल एफिशिएंसी में क्या क्या था? साइकिल टाइम था और वेस्ट था. तो वेस्ट के बारे में यहां पे दिया स्क्रैप्ड. दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साइकिल टाइम, है ना? और इन दोनों का रिजल्ट कहां गिरेगा? प्रोडक्टिविटी पे. तो आप इस तरह से समझाएंगे कि कंपनी का साइकिल टाइम और वेस्ट टाइम कम होने के कारण बाय डिफॉल्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा. साइकिल टाइम और वेस्ट टाइम, साइकिल टाइम और वेस्ट टाइम घटने के कारण ये प्रोडक्टिविटी का पार्ट है जो इनका बढ़ जाएगा. फिर और इस तरफ में क्या था? क्वालिटी और डिलीवरी. तो क्वालिटी क्या क्या है यहां पे बताओ मुझे. क्वालिटी इज ये रहा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. देन डिलीवरी इज दिस वन. एंड कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विस इज ऑल्सो क्वालिटी कॉस्ट.
तो इस तीन का असर, अब देखिए इस तीन का असर, इसका इसका और इसका इज कमिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दिस इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है ये, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कैन यू सी यर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स इज रिड्यूसिंग। व्हाई? बिकॉज क्वालिटी एंड डिलीवरी हैज बीन टेकन केयर ऑफ। नाउ इफ यू सी प्रोडक्टिविटी, दिस प्रोडक्टिविटी से नंबर वन, एंड दिस कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज इंक्रीजिंग, तो अल्टीमेटली देर हैज टू बी बूस्ट इन द रेवेन्यू एंड बूस्ट इन द मार्केट शेयर। सो यू कैन शो दैट अगेन कि मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है। कैसे? परसेंट देखिए तो यहां पे कितना मार्केट परसेंट आ रहे हैं। हाँ, मार्केट शेयर डिवाइड करके 16%, यहां पे 17 पॉइंट्स में, ठीक है, ये 19 अप्रोक्स, दिस इज शेयर, ठीक है। तो शेयर बढ़ने का कारण, मार्केट शेयर बढ़ने का कारण है कस्टमर वाला। आप पिरामिड को देखिए ना, ये रहा कस्टमर से मार्केट शेयर, ये रहा कस्टमर से मार्केट शेयर, और प्रोडक्टिविटी से फाइनेंशियल्स। तो ऐसा लिंक करते, देखिए ये *1 है, तो *1 यहां पे आया है ना, और *2 प्रोडक्टिविटी पे, ये रहा। तो प्रोडक्टिविटी के कारण आपका कॉस्ट पे असर आया, फाइनेंशियल्स पे असर आया। मतलब ये इलस्ट्रेशन नहीं होता तो पिरामिड नहीं समझ आता। पिरामिड समझने के लिए इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत वाइटल था, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था। पिरामिड समझने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था इलस्ट्रेशन होना। आपको ये एरो का फ्लो समझना था सबसे इंपॉर्टेंट, कि साइकिल और वेस्ट से प्रोडक्टिविटी आया, फिर डिलीवरी और क्वालिटी पे काम करने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन आया, फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के कारण शेयर बढ़ा, और प्रोडक्टिविटी के कारण फाइनेंशियल सुधरा। एम आई करेक्ट? अब मेल कैसे लिखना है? टू SB फ्रॉम DG डेट, उसी तरह से कॉपी मारा हुआ है। सब्जेक्ट PL मीटिंग दिस आफ्टरनून, रिप्लाई कर रहे हैं ना, गूगल में मेल करते तो रिप्लाई कैसे जाता है? नया सब्जेक्ट नहीं डालते हैं, ये भी एक ट्विस्ट है। इफ यू पुट न्यू सब्जेक्ट देन यू आर गॉन, डोंट पुट न्यू सब्जेक्ट, डोंट कीप सब्जेक्ट ब्लैंक। कई बार मैंने देखा है आप लोग मेल करते हैं ना, तो कन्वर्सेशन में रिप्लाई नहीं करते हैं, आप ट्रेल में रिप्लाई नहीं करते, आप फिर से नया कंपोज मार देते हैं। तो नया कंपोज मींस बच्चा नया है, नहीं जानता है इसको कैसे चलाना है। कंपोज नया नहीं किया जाएगा अगर उसी मेल का रिप्लाई है तो, ठीक है। डोंट पुट न्यू सब्जेक्ट, यू हैव टू रिप्लाई, एंड रिप्लाई ऐसे जाएगा, या लिख सकते हो रिप्लाई टू, प्लीज फाइंड बिलो माई एनालिसिस ऑफ द पॉइंट्स यू विश्ड मी टू एग्जामिन फॉर PL, प्लीज लेट मी नो, ये भी कर्टसी है, इफ यू विश टू डिस्कस एनी ऑफ दीज पॉइंट्स इन मोर डिटेल, काइंड रिगार्ड्स। अब एनालिसिस अगला अपना सारा दे दिया इन द लाइट ऑफ प्रिज्म पिरामिड, कि क्वालिटी डिलीवरी से उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिला, उसे मार्केट शेयर बढ़ा, देन फिर वही साइकिल टाइम और वेस्ट रिडक्शन से प्रोडक्टिविटी में असर आया, प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया, और यहां पर उसी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में बताया। और मैंने एक और लेवल ले लिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मार्केट शेयर आया और प्रोडक्टिविटी से फाइनेंशियल भी सुधरा, ठीक है। आज आप बहुत थकेले हो गए हैं इसलिए अब आप निकल लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले दिन, थैंक यू।